everyone, welcome back to my channel. And video ko title leke aap logo ko pata chal gaya hoga ki aaj is video mein main aap logo ke sath share karne wali hu Loreal Paris Revital Lift Crystal Micro Essence Smoothing and Radiant Essence for Skin. So this is what it looks like. So basically aajkal aap log pichle kuch I think ek hafte se dekh rahe honge continuously bloggers and YouTubers are posting about this product. तो आई थॉट कि मैं भी इसे परचेज कर लेती हूँ. सो जिस दिन मैंने इसकी फर्स्ट वीडियो देखी थी उसी दिन आई ऑर्डर्ड दिस एंड द नेक्स्ट डे मुझे ये मिल गया था. एंड फ्रॉम दैट डे आई एम यूजिंग दिस और मुझे इसे यूज करते हुए आई थिंक 3 to 4 days हो गए हैं आराम से. सो आई हैव अ रियली गुड यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट इन माई माइंड. सो जो कि मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड एंड नॉट एट ऑल इन कोलैबोरेशन विद दिस ब्रांड. ये मेरा खुद के पैसे से खरीदी हुई चीज़ है और मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस और व्यू है. मैंने एक का दो का तीन का चार का रिव्यू देखा जब मैं इसको लेने से पहले सोच रही थी. एंड एवरी सिंगल पर्सन वॉज सेइंग द सेम थिंग. हर एक ने ऐसा ना लिखी हुई आई थिंक स्क्रिप्ट थी एक टाइप से जो कि सब लोग बोले जा रहे थे. एंड आई वॉज टोटली लाइक ओके, आई वॉज टोटली शॉक्ड टू सी दैट. बट देन आई थॉट कि क्यों ना मैं ट्राई करूँ एंड देन आई शेयर दैट विद यू गाइज, ताकि आप लोगों को एक जेन्युइन एंड एक ऑनेस्ट रिव्यू या फिर एक व्यू मिल जाएगा आप लोगों को इस प्रोडक्ट से रिलेटेड. सो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा हाईली यू नो फेवरेट प्रोडक्ट है दूसरी कंट्रीज में जहाँ पे ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, बट ये इंडिया में अभी लॉन्च हुआ है. एंड ये इसका सबसे छोटे वाला टाइनी माइनी बॉटल है 22 ml का, जो कि आता है 250 rupees में. एंड इससे बड़ा एक साइज आता है, आई डोंट नो द अमाउंट और आई डोंट नो द क्वांटिटी, बट दैट इज 700 के आसपास. एंड देन एक आता है इसका 1400 का, विच इज़ दी मैक्सिमम क्वांटिटी उसके अंदर आती है. वो एक ग्लास बॉटल है, बट दिस इज अ प्लास्टिक वन बिकॉज ये छोटा सा है एंड दिस इज ट्रेवल फ्रेंडली एज वेल. सो यहाँ पे मैं पैकेजिंग एंड ऑल दैट की बिल्कुल बात नहीं करने वाली हूँ बिकॉज आई एम हैविंग अ प्लास्टिक बॉटल. तो बड़ी वाली होती तो फिर भी मैं सोचती, बट दैट वॉज नॉट इन माई बजट. 1400 फॉर जस्ट अ प्रोडक्ट जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, सॉरी. सो 22 ml 250 rupees में मुझे ये मिला. पहले बात करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी की. बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी है, एज यू कैन सी बिल्कुल ही पानी की तरह है ये. नथिंग यू नो क्रीम बेस्ड या ऑयल बेस्ड कुछ नहीं है, ऐसा लगता है नॉर्मल पानी है इसके अंदर और कुछ नहीं है. फ्रेग्रेंस, इट हैज़ अ वेरी स्वीट फ्रेग्रेंस, ठीक है, नॉट सो केमिकली एंड नॉट सो नॉर्मल या फिर फ्रेग्रेंस लेस, ऐसा कुछ नहीं है. बहुत स्वीट फ्रेग्रेंस है इसके अंदर. या सो मैं अब आपको इसका सच्ची सच्ची वाला अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ. सो जिस दिन मुझे ये रिसीव हुआ था उस दिन एट नाइट आई अप्लाइड दिस, आई वॉश माई फेस और मैंने उसके बाद इसको अपने पाम पे लिया 5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ दिस. एंड देन मैंने उसे हल्का सा दोनों हाथों पे रब करके एंड देन स्किन के अंदर टैप किया ऐसे करके, एंड देन इट गॉट एब्जॉर्ब लाइक दिस. आफ्टर आई थिंक 5 to 6 minutes आई वॉज लाइक चलो एक बार फेस देख लेते कि लग कैसा रहा है, इसको लगाने के बाद कुछ फील हो रहा है नहीं. एंड माई स्किन वॉज एक्चुअली हैविंग दैट शाइन, इट वॉज नॉट लुकिंग ऑयली, इट वॉज हैविंग शाइन. क्योंकि आप एक तो होता है ना शीशे में आप देख रहे हो आपको लग रहा है अरे ऑयल आ गया फेस पे, एंड यू ट्राई टू रिमूव दैट यूजिंग योर हैंड, बट वो नहीं गया. ओके, सो दैट वॉज अ इनबिल्ट शाइन. तो इंस्टेंटली लगाने के बाद मुझे मेरे फेस पे शाइन फील हुई. सो पूरी रात मैंने इसको अपने स्किन पे रखा. इसके बाद मैंने कोई नाइट जेल वगैरह कुछ नहीं लगाया, सिर्फ ये चीज लगाई थी. एंड देन मॉर्निंग में उठने के बाद आई वेंट टू माई मॉम एंड आई आस्क्ड हर कि आपको मेरे फेस पे कुछ ऑयल नजर आ रहा है, एंड शी वॉज लाइक नो बिकॉज माई फेस वॉज टोटली मेटिफाइड. इट वॉज हैविंग अ ग्लो, बट नॉट दैट ऑयल वाला ग्लो जो रात को सोते टाइम ऑयल से क्रिएट होता है, वो वाला नहीं था, बट इट वॉज हैविंग अ ग्लो. सो आई वॉज ब्लॉन्ड विद दैट दिस रिजल्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट. उसके बाद नेक्स्ट डे आई अप्लाइड दिस इन द मॉर्निंग. आई थॉट ये मॉर्निंग में भी ऑयल जो सिक्रीट हो रहा है उसको कंट्रोल करे या समथिंग लाइक दैट, बट मॉर्निंग में लगाते ही इंस्टेंटली शाइन आई फेस पे, नो डाउट. बहुत ज़्यादा ग्लोइंग फेस लग रहा था, बट आफ्टर आई गेस मुझे वैसे नॉर्मली 2 या 3 घंटे में ऑयल मेरे फेस पे दिखना शुरू हो जाता है, बट इसको लगाने के बाद इट टुक एटलीस्ट 5 hours आई थिंक ऑयल को आने में, बट ऑयल आया. ओके,
सो दिन के टाइम इतना कुछ इसने वर्क नहीं किया बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव अप्लाइड सनस्क्रीन इसके ऊपर से दिन के टाइम में. सो या बट धीरे धीरे दैट वॉज द फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे. अगर मैंने इसको सुबह के टाइम अप्लाई नहीं किया है स्टिल माई फेस वॉज हैविंग दैट शाइन. ठीक है, शाइन नहीं जा रही थी फेस की, फेस के ऊपर शाइन फिर भी थी तो स्टिल माई फेस वॉज शाइनिंग इवन इफ आई हैव नॉट अप्लाइड दिस. बिकॉज चार से पाँच दिन लगातार यूज करने के बाद जब मैंने इसे कल नहीं अप्लाई किया माई फेस वॉज स्टिल हैविंग दैट शाइन. And that means it really repairs your skin अंदर से, आपकी skin का जो गायब हुआ glow होता है वो वापस लाता है. So that's why I really really like this product. And as you can see I have used this at least for 3 to 4 days but still इतना ही quantity use हुआ. That means you need really small amount of this and you're good to go. As you can see right now it's currently 3 PM and in the morning I think at 10 or 10:30ish I washed my face and I applied this serum or this essence only on my face aur tab se ab tak ye same face hai. I am not having any makeup on my face. I am not kidding. I do not have anything. Kuch bhi nahi hai. My skin is all clear. इट जस्ट दिस की एसेंस मैंने लगा रखा है स्किन पे एंड अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि एसेंस आपको कैसे यूज करना है. सो वॉट यू नीड टू डू इज यू जस्ट हाथ साफ होने चाहिए, फेस साफ होना चाहिए आपका एंड देन आपको 1, 2, 3 and 4 ज्यादा से ज्यादा 4 वरना 2 to 3 ड्रॉप्स आर इनफ एंड देन यू हैव टू जस्ट पैट दिस ऑन टू योर स्किन. And can you see the instant shine it gives your skin, that glowingness? So मैं इसकी बात कर रही थी. ये है जो magic ये product करता है आपकी skin के ऊपर. Instantly एक youthful skin नजर आती है आपकी. So I totally am in love with this product. Maybe ये खत्म होने के बाद मैं इसका बड़ा वाला ही direct purchase करूंगी. Otherwise I was thinking कि चलो एक दो बार में क्या पता चलेगा. But dude, this is literally so good. I will highly recommend you guys कि अगर आप बड़े वाला ना सी एक बार इसको छोटे वाला जरूर try करके देखिए. आपको ऐसा लग रहा है मेरे face पे highlighter लगा हुआ है. This one, but it's not highlighter. It's the shine जो कि मुझे इससे मिली है and use करना इसको बिल्कुल simple है जैसे अभी मैंने बताया. और कब कब use करना है simply आपको रात को फेस वॉश करके इसका थोड़ा ज्यादा अमाउंट लेके फेस पे लगा लीजिए एंड मॉर्निंग के टाइम में नॉर्मल पानी से फेस वॉश करके एंड देन इसको अप्लाई करके एंड देन इसके ऊपर सनस्क्रीन की लेयर लगा लीजिए एंड यू आर डन. सो बेसिकली ये आपकी स्किन को रिपेयर करने का काम करता है. जहां जितनी भी डैमेज होती है आपकी स्किन उसको रिपेयर करने का काम करता है. जैसे मैंने बताया कि ये कोरियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा उनका फेवरेट प्रोडक्ट है एंड This is loved over there. India में भी इसे बहुत ज़्यादा प्यार definitely मिलेगा. I don't know about other YouTubers जिनके साथ L'Oreal ने sponsor की है, collaboration किया है but मैं इसको सच में use करके देन आप लोगों के साथ share कर रही हूँ. And चाहे कोई भी product अगर मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ because everyone has a different opinion and everyone has a different skin. किसी के ऊपर work करता है, किसी के ऊपर नहीं करता है. This is totally love, literally love. I have no words क्या बोलूँ मैं इसके बारे में but this is so good, so 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 good. आपको मेरी स्किन अभी नजर आ रही होगी. I am not talking about कि आप marks वगैरह को ignore करो, they are तो always there on my skin but I am telling you the glowingness, the smooth my skin is looking. It's so good. So thank you so much for watching. I hope आप लोगों को मेरा ये review पसंद आया होगा regarding this product. And if you do so then please like, comment, share and subscribe to my channel. मैं आप लोगों से मिलूंगी अपनी अगले video में. And guys if you haven't subscribed to my channel अभी तक then कहाँ गायब हो, do subscribe to my channel. Share this video with your friends. आपको जिनको लगता है कि हाँ this might be useful for that person. So go and share this video with your friends. And मैं आप लोगों से मिलूंगी अपनी अगले video में. तब तक के लिए bye.